Okay, students, are we able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, if you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Okay. So today we are going to start this topic, the development of writing. अब यहाँ पर क्या हुआ था, अब ये लोग कुछ साउंड्स जो हैं वो धीरे धीरे सीख रहे थे बोलना, तो उन्होंने धीरे धीरे वर्बल कम्युनिकेशन के बाद में रिटन कम्युनिकेशन जो है वो भी सीखना शुरू करा था, और कुछ सिंबल्स और साइंस जो है उन्होंने डेवलप करे थे. धीरे धीरे वो जाकर के आगे स्क्रिप्ट में चेंज हुई, कन्वर्ट हुई, और उन लोगों ने लिखना सीखा और बोलना भी. उसको जो ये बोला करते थे साउंड्स, उनको उन्होंने बेसिकली किसी न किसी एक सिंबल से रिलेट करते हुए वो बनाना शुरू करा. ऑल सोसाइटीज हैव लैंग्वेजेस इन विच सर्टेन स्पोकन साउंड्स कन्वे सर्टेन मीनिंग्स. सारे ही समाज जितने भी सोसाइटीज होती हैं उनमें अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं जो अलग अलग साउंड को रिप्रेजेंट करती हैं और कुछ अलग उनके मीनिंग्स होते हैं. दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन. राइटिंग टू इज वर्बल कम्युनिकेशन. ये जो हमने देखा वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, और लिखना जो है वो भी एक तरीके से वर्बल कम्युनिकेशन ही होता है, बट इन अ डिफरेंट वे. लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होता है. वेन वी टॉक अबाउट राइटिंग और स्क्रिप्ट, वी मीन दैट स्पोकन साउंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन द विजिबल साइंस. जब हम बात करते हैं लिखने की या लिखाई की या स्क्रिप्ट की, तो हम बात कर रहे होते हैं कि कुछ जो स्पोकन साउंड्स होते हैं वो कुछ विजिबल साइंस जो है या सिंबल्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं. द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स रिटन अराउंड 3200 BCE कंटेन पिक्चर लाइक साइंस एंड नंबर्स. जो पहले सबसे पहले मेसोपोटामियन टैबलेट्स डेवलप जो करी गई थी लिखी हुई, वो करीब 3200 साल पहले की हैं, बिफोर क्राइस्ट एरा, कॉमन एरा से पहले की हैं, जिनके अंदर पिक्चर जैसे कुछ साइंस और नंबर्स थे. दीज वर अबाउट 5000 लिस्ट ऑफ ऑक्सन, फिश, ब्रेड, लोव्स, एक्सेट्रा, लिस्ट ऑफ गुड्स दैट वर ब्रॉट इन टू आर डिस्ट्रीब्यूटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ रुक, अ सिटी इन द साउथ. अब बेसिकली ये जो सिंबल्स थे ये क्या दिखा रहे थे, यहाँ पे लिस्ट है, करीब 5000 लिस्ट हैं जिसमें ऑक्सन, फिश, ब्रेड, लोव्स और ये सारी चीजें इंक्लूडेड थी, जो रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल आने वाली चीजें थी वो थी. और ये सारे गुड्स जो है या तो वो लाए जाते थे या वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे टेम्पल्स जो थे रुक के, वहां से, जो की एक सिटी थी साउथ मेसोपोटामिया में. समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? Clearly, writing began when society needed to keep records of transactions. Clearly, हम समझ पा रहे हैं कि ये writing जो है तभी शुरू हुई थी जब society को record लगने की, उनको लगा कि हमें transactions जो भी हम कर रहे हैं, लेन देन जो भी हम कर रहे हैं, उनका record हमें maintain करने चाहिए. Because in city life, transactions occurred at different times and involved many people and a variety of goods. क्योंकि city life के अंदर कई सारे transactions होते थे, अलग अलग time पे होते थे, और उसमें काफी ज्यादा लोग भी involved थे और कई सारे variety के goods भी involved थे. There is a picture of clay tablets on the next page. But before that, I'm going to tell you about the pictures on this page. इस tablet के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ होता था, किस किस तरह के symbols होते थे, क्या उनका size होता था, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं. Clay tablets जो कि 3200 BC में डेवलप की गई थी. ईच टैबलेट इज 3.5 सेंटीमीटर और लेस इन हाइट. हर एक टैबलेट जो है वो करीब 3.5 सेंटीमीटर या उससे छोटी भी हो सकती थी हाइट में, विद पिक्चर लाइक साइंस ऑफ ऑक्स, फिश, ग्रेन, बोट एंड द नंबर्स. और उसके ऊपर साइंस होते थे ऑक्स, फिश, ग्रेन, बोट या नंबर्स. यहाँ पे कई सारी आपको वो दे रखी है. ऑक्स के लिए ये वाला साइन दिया हुआ है, ग्रेन और फिश के लिए ये वाला साइन है, और नंबर्स जो है बोट और नंबर्स के लिए ये वाला साइन दिया हुआ है. देन नेक्स्ट टू दिस देयर इज अनदर पिक्चर. यहाँ पे यूनिफॉर्म सिलेबिक साइंस दिए गए हैं, इसका अलग अलग जो बोलने वाली चीजें होती हैं, जो वर्ड साउंड होते हैं उनको दिखाते हुए यहाँ पे ये साइन दिए हुए हैं. एंड व्हाट इज यूनिफॉर्म, ये हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में. Now on page 34, Mesopotamians wrote on tablets of a clay. A scribe would wet clay and pat it on a size he could hold comfortably in one hand. Mesopotamians जो है उन्होंने tablets बनाना शुरू करा था clay से. एक scribble जो होता है जो चीजों को okay करके लिखता है वो की जाती थी, लिखा जाता था इन पर. एक जो गीली मिट्टी की होती थी उसको हाथ से साइज दे करके ये लोग बनाते थे कम्फर्टेबली, एक हाथ में ये लोग कैरी कर पाए उस साइज में ये बनाते थे. He would carefully smoothen its surface with
with the sharp end of a reed cut obliquely, he would press wedge-shaped cuneiform. साइन ऑन टू द स्मूथन्ड सरफेस व्हाइल इट वाज स्टिल मॉइस्ट. अब जब इसको ये गीली मिट्टी से बनाते थे तो इसको क्या करते थे, वो बेसिकली हाथ से चिकना करते थे, स्मूथ करते थे, उसके बाद में इस पर कट लगाते थे ऑब्लिकली, यानी कि एक अनप्रॉपर कोई राइट एंगल में ना कट के, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ना करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में वो देते थे, ठीक है. और इसके ऊपर क्यूनिफॉर्म जो साइंस होते हैं वो इसके ऊपर प्रेस करते थे, ठीक है. स्मूथन सरफेस के बाद में जब वो थोड़ी गीली होती थी तभी उसके ऊपर दबा करके ये इस तरीके से निशान बनाते थे. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये हाफ में जहाँ पे प्रेस करे हुए हैं साइन, वहां तो ये पूरा धसा हुआ है अंदर, ठीक है. और बाकी इसकी सरफेस जो है वो काफी ज्यादा स्मूथ है, काफी चिकनी है. तो यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, जहाँ लिखा हुआ है वो काफी थोड़ी सी रफ है. क्यूनिफॉर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूनियस मीनिंग वेज एंड फॉर्मा मीनिंग शार्प शेप. तो यहाँ पे क्यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, ये दो लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, यानी कि वेज शेप करके, ठीक है, जिसमें आप वो प्रॉपर एक शेप दे रहे हैं. एंड ये था मॉइस्ट उसके ऊपर सरफेस के ऊपर करने का इनका तरीका. Once dried in the sun, the clay would harden and tablets would be almost as indestructible as the pottery. एक बार ये जब सूख जाती थी सन के अंदर तो ये इतनी ज्यादा मजबूत हो जाती थी कि ये indestructible हो जाती थी, ये बर्बाद ना हो, जैसे कि पॉटरी होती है उसी तरीके से. And a written record of say the delivery of pieces of metal had ceased to be relevant, the tablet was thrown away. जब written record लिखा होता था, suppose कि यहाँ पर कुछ मेटल की जो चीजें हैं वो सीज कर ली गई हैं, तो उस टैबलेट को फेंक दिया जाता था. वंस द सरफेस ड्राइड साइंस कुड नॉट बी प्रेस्ड ऑनटू अ टैबलेट. जब ये एक बार सूख जाती थी तो उसके ऊपर बनाए हुए साइंस जो है उनको आप मिटा नहीं सकते थे. सो ईच ट्रांजेक्शन हाउ एवर माइनर रिक्वायर्ड अ सेपरेट रिटन टैबलेट. तो जितने भी यहाँ पर ये लोग अपने रिकॉर्ड्स का ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखते थे तो वो छोटे से छोटा ट्रांजेक्शन को भी ये लिख करके रखते थे, ठीक है, टैबलेट के ऊपर, जिससे वो बर्बाद ना हो सके. दिस इज व्हाई टैबलेट्स अकर बाय द हंड्रेड्स ऑफ मेसोपोटामियन साइट. इसीलिए कई सारी टैबलेट जो है इस साइट से निकाली गई हैं, एक्सकवेट की गई हैं. एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस वेल्थ ऑफ सोर्सेज दैट वी नो सो मच मोर अबाउट मेसोपोटामियन देन वी डू अबाउट कंटेम्प्रेरी इंडिया. और यही कारण है कि इसीलिए हम सबसे ज्यादा नॉलेज हमें मेसोपोटामिया के बारे में मिली है इन कंपेरेटिवली इंडिया के कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में हमारे पास कम नॉलेज है, क्योंकि रिटन रिकॉर्ड जो है वो इनका ज्यादा मिला है. ठीक है, समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत? नो मैम. ओके, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं. अ क्ले टैबलेट रिटन ऑन बोथ साइड्स इन अ क्यूनिफॉर्म is it is a mathematical exercise. You can see a triangle and lines across the triangle on the top of the obverse side. You can see that the letters have been pressed into the clay. अब ये जो tablets की यहाँ पे आपको picture दी हुई है, इस पे आप देख सकते हो कि ऊपर के साइड में यहाँ पे ट्राइंगल बने हुए हैं और इसमें यहाँ पे इस तरफ बीच में मिडिल में ट्राइंगल बने हुए हैं, एंड देन यहाँ पे नीचे साइंस जो है वो प्रेस किए हुए हैं. इसको देख करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज है, कि इसके अंदर मैथ्स जो है वो इन्वॉल्व्ड है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. बाय 2600 BCE और सो द लेटर्स बिकेम uniform. The language was Sumerian. अब 2600 BCE के तहत उसके बाद में letters जो है वो uniform में transform हो गए थे और बाद में language इनकी develop हो गई थी, जिसको ना हमने chapter की शुरुआत में ही पढ़ा था कि इनकी language जो थी उसको बोला जाता था क्या, Sumerian. तो वो develop हो चुकी थी. Writing was now used not only for keeping records but also for making dictionaries, giving legal validity to land transfers, narrating the deeds of kings and announcing the changes a king had made in the customary laws of the land. अब ये language जब इनके develop हो गई थी तो इन्होंने बाकी चीजों के अंदर भी use करना शुरू करा, records ही रखने के लिए नहीं बल्कि और चीजें ये use करते थे लिखने के लिए, जैसे डिक्शनरीज बनाना शुरू करा, लीगल वैलिडिटी ट्रांसफर फॉर्म्स जो होते हैं वो बनाना शुरू करा, राजा ने कोई नया लॉ पास किया है या उसने कोई नई बात कही है उसके लिए उन्होंने लिखना शुरू करा, या वो कोई चेंजेस लाना चाहता है लैंड के जमीन से रिलेटेड कोई कानून के अंदर, तो वो ये चीज के लिए भी रिकॉर्ड करने के लिए ये सब बनाने लगे.
tablets. Sumerian, the earliest known language of the Mesopotamia, was gradually replaced after 2400 BCE by the Akkadian language. ये line हमने पहले भी पढ़ी थी chapter की शुरुआत में कि Sumerian language जो है उसको सबसे पहले वाली लैंग्वेज तो यही मानी जाती है सुमेरियन. बाद में जो है इस लैंग्वेज को रिप्लेस करा था किसने धीरे धीरे 2400 BCE के अंदर अकाडियन लैंग्वेज जो आ गई थी उसने इसे रिप्लेस कर दिया था. यूनिफॉर्म राइटिंग इन द अकाडियन लैंग्वेज कंटिन्यूड इन यूज अंटिल द फर्स्ट सेंचुरी सीई दैट इज फॉर मोर देन 2000 ईयर्स. अब यूनिफॉर्म राइटिंग जो है वो अकाडियन लैंग्वेज के अंदर भी आ गई थी, यानी ये जो तरीका था लिखने का वो अकाडियन लैंग्वेज के अंदर भी इन्होंने अप्लाई कर दिया था और ये यूज होता रहा फर्स्ट सेंचुरी तक, करीब 2000 साल तक इन्होंने इस चीज को यूज किया है. समझ में आया इस टॉपिक के अंदर किसी को कोई दिक्कत? द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग? ओके, अब है सिस्टम ऑफ राइटिंग. द साउंड दैट अ क्यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंटेड वाज नॉट अ सिंगल कंसोनेंट और वॉवल, ठीक है, सच एज एम और ए इन द इंग्लिश अल्फाबेट, बट द सिलेबल से पुट ए पुट और ला और एन. Thus, the signs that a Mesopotamian scribe had to learn ran into hundreds, and he had to be able to handle a wet tablet and get it written before it dried. तो यहाँ पर जो uniform sound sign थे उसके अंदर एक single consonant या vowel sound जो होता था वो simply जैसे हमारे English के अंदर जो है वो अलग अलग syllables के साथ जुड़ के अलग अलग sound बनाता है, तो यहाँ पे भी इसी तरह की चीज थी. इसीलिए Mesopotamian scribe जो है उनको काफी सारे signs जो है वो develop करने पड़े थे और कई 100 साइंस उनको डेवलप करने पड़ते थे, और फिर उनको जब ये गीली होती थी तभी उनको सब कुछ इसमें लिखना होता था इससे पहले कि ये सूख नहीं जाए. सो राइटिंग वॉज अ स्किल्ड क्राफ्ट, बट मोर इम्पॉर्टेंट इट वॉज एन एनॉर्मस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट कन्वेइंग इन विजुअल फॉर्म द सिस्टम ऑफ साउंड्स ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. अब एकदम से इतने सारे गीली उस पर चिकनी उस पर लिखना, ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हुनर था. तो उसको ही प्रेस करते हुए यहाँ पे ये बोला गया है कि ये एक बहुत ही स्किल्ड हुनरमंद क्राफ्ट था, और मोर इम्पोर्टेंटली ये एक बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे ले जाकर के देखें, इंटेलिजेंट लेवल पे या एक उस लेवल पे ले जाकर के देखें, तो उन्होंने ये चीज अचीव कर ली थी कि कैसे हमें हमारे जो सिस्टम ऑफ साउंड्स है वो पर्टिकुलर लैंग्वेज के हम उकेर पा रहे हैं, हम लिख पा रहे हैं, और वो भी बहुत ही स्मूथली और बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजों को. तो वो एक इनके एक अच्छा आर्ट की तरह बोला गया है, क्राफ्ट की तरह बोला गया है, अप्रिशिएबल क्राफ्ट की तरह. ठीक है, समझ आया था सिस्टम ऑफ राइटिंग? यस मैम. ओके, देन वी हैव लिटरेसी. अब क्योंकि इन्होंने ये जब लिखना और बोलना शुरू कर दिया, सिंबल्स जो है वो शुरू कर दिए, तो यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो भी थोड़ी डिफरेंट अलग एस्पेक्ट लेके चल रही है. वेरी फ्यू मेसोपोटामियंस कुड रीड एंड राइट, बहुत कम मेसोपोटामियंस जो है वो लिख पाते थे और पढ़ पाते थे. नॉट ओनली वर देयर हंड्रेड्स ऑफ साइंस टू लर्न, मेनी ऑफ दीज वर कॉम्प्लेक्स. इफ अ किंग कुड रीड ही मेड श्योर दैट दिस वाज रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बोस्टफुल इंस्क्रिप्शन. अब क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग पढ़ पाते थे, लिख पाते थे, तो उसका अलग ही एक पॉइंट है कि भाई वहां पे एक तो इनके साइंस को समझना और इनको याद करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क था. अगर कोई राजा पढ़ना लिखना सीख लेता था तो वो इस चीज को अपने इंस्क्रिप्शंस में जरूर तारीफ करते हुए लिखवाता था कि वो पढ़ लिख सकता था, ठीक है, अपनी तारीफ के हिसाब से. फॉर द मोस्ट पार्ट हाउ एवर राइटिंग रिफ्लेक्टेड द मोड ऑफ स्पीकिंग, और अधिकतर हिस्सा जो था राइटिंग का वो ये दिखाता था कि ये लोग कैसे बोल पा रहे हैं. A letter from an official would have to read out to the king, so it would begin. अगर कोई letter आता था, कोई official को पढ़ना होता था राजा को, तो वो इस तरीके से लिखा होता था. To my lord, speak. Thus says your servant B. I have carried out the work assigned to me. यानी कि यहाँ पे जो राजा है उसके लिए अल्फाबेट ए बोला गया है as an example तौर पे कि इस तरह से इनके letter हुआ करते थे कि मैंने काम कर लिया है जो मुझे assign किया गया था. A long mythical poem about creation ends thus. अब कोई mythical poem कविता हुआ करती थी तो वो इस तरीके से end होती थी. Let these verses be held in the remembrance and let the elder teach them. Let the wise one and the scholar discuss them. Let the father repeat them to his sons. Let the ears of
even the herdsmen be open to them. अब कोई पोम अगर ये लोग लिखते थे तो उसकी एंडिंग इस तरीके से होती थी कि भाई ये याद रखी जाए, ये जो वर्सेस यहाँ पे लिखे गए हैं वो हर किसी को याद रहे, हर एल्डर जो है वो अपने बच्चों को सिखाए, एक अच्छा व्यक्ति जो है वो अपने आसपास के लोगों को डिस्कस करे उसके साथ में, पिता जो है वो अपने सन्स को ये चीज बताएं, और ऐसे ईयर्स जो घास चराने वाले या काम करने वाले हर्ड्समैन तरह के होते हैं वो उनके कानों तक भी ये बात पहुंचे, इस तरीके से इनकी पोम जो है वो एंड हुआ करती थी। लिटरेसी को फैलाने का जो इनका तरीका था वो इस तरीके का था। ठीक है, क्लियर है लिटरेसी वाला टॉपिक? यस मैम। ओके, देन वी हैव द यूजेस ऑफ राइटिंग्स। अब वापस से की राइटिंग्स जो है इन्होंने किस तरीके से यूज करी है। द कनेक्शन बिटवीन सिटी लाइफ, ट्रेड एंड राइटिंग इज ब्रॉट आउट इनटू द लॉन्ग सुमेरियन एपिक पोएम अबाउट द एनमर्कर, वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द उरुक। अब कनेक्शन जो है इनकी सिटी लाइफ ट्रेड राइटिंग का वो लॉन्ग सुमेरियन एपिक पोम जो है एनमर्कर एक राजा था वहां का, उसके द्वारा उसके बारे में लिखी गई है। ये राजा था उरुक का। मेसोपोटामियन ट्रेडिशन के अंदर उरुक जो है वो एक ऐसी सिटी थी जो एक्सेलेंस के काफी आगे थी, ठीक है, और ऑफन उसको कई बार सिंपली द सिटी की तरह बोला जाता है, ठीक है। इन मेसोपोटामियन ट्रेडिशन उरुक वॉज द सिटी फॉर एक्सेलेंस, ऑफन नोन सिंपली एज द सिटी, ठीक है, शहर ना होकर के द सिटी बोला जाता था उसको, क्योंकि ये काफी एक्सेल कर चुकी थी लिटरेसी रेट में, राइटिंग उसमें, सारे हुनर में। एनमर्कर इज एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट ट्रेड ऑफ सुमेर इन द अर्ली डेज। द एपिक सेज ट्रेड वाज नॉट नोन, एनमर्कर वांटेड लेपिस लाजुली एंड द प्रीशियस मेटल्स फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ अ सिटी टेंपल एंड सेंट हिज मैसेंजर आउट टू गेट देम फ्रॉम द चीफ ऑफ अ वेरी डिस्टेंट लैंड कॉल्ड अराटा। अब एनमर्कर जो यहाँ का रूलर हुआ करता था वो अपने आप को जोड़ के देखता था कि वो पहले जो वहां पे व्यापार हुआ है सुमेर के अंदर, ठीक है, उससे जोड़ करके देखता था वो, यानी लैंग्वेज का यूज करते हुए। शुरुआती दिनों में एपिक जो है उसके बारे में, जो ये एपिक है उसमें ये बताया गया है कि ट्रेड जो है लोगों को इतना नोन नहीं था, लोग बाग नहीं जानते थे व्यापार क्या होता है। एनमर्कर ने लेपिस लाजुली भेजा था, प्रेशियस मेटल्स जो है उसको वो चाहिए थे, तो उसके लिए अपने सिटी टेम्पल को सजाने के लिए उसको ये सब चीजें चाहिए थी, तो उसने अपने दूत यानी मैसेंजर को भेजा था टू गेट देम, ठीक है, ये चीज लेकर के आए वो जो चीफ था दूर का, अराटा लैंड करके एक जगह थी, वहां के चीफ से वो ये चीज लेके आए, यानी ट्रेड करे, व्यापार करे उसके साथ में। द मैसेंजर ही डिड द वर्ड ऑफ द किंग, मैसेंजर ने वहां जाके अपना अपने राजा की कही बात वहां पे बोल दी। बाय द नाइट he went just by the stars, और फिर वो रात में ही आया। By the day he would go by the heavens sunrise। अब ये यहाँ पे क्या basically जो उसने line बोली है वो बताई गई है कि by the night he went just by the stars, by the day he would go by the heavens and divine, he had to go up into the mountain ranges and had to come down out of the mountain ranges. The people of Susa city below the mountain saluted him like the tiny mice. 5 mountain ranges, 6 mountain ranges, 7 mountain ranges he crossed. अब यहाँ पे ये basically इन्होंने poet का एक जो लिखा हुआ वर्स है वो दिया हुआ है कि वो दिन में जाता था, रात में जाता था, एक पोएटिक उसमें ये लिखा हुआ है, उसने कई माउंटेन्स जो है वो क्रॉस करी, वो एक नीचे की तरफ, माउंटेन्स की नीचे की तरफ जो जगह थी सिटी सूसा करके, वहां पे जब ये निकलता था वहां से तो वहां के लोग इसको एक छोटा माउस की तरह सल्यूट करते थे। 5 माउंटेन रेंजेस क्रॉस करी, 6 माउंटेन रेंजेस क्रॉस करी, 7 माउंटेन रेंजेस क्रॉस करी, ये सारी चीजें उसकी पोम के अंदर मेंशन्ड है। अब ये जो टाइनी माइस दे रखा है इसका ये दिया हुआ है, द पोएट मींस दैट वंस द मैसेंजर हैड क्लाइम्ड ग्रेट हाइट एवरीथिंग अपीयर्ड स्मॉल इन द वैली फार बिलोस। अब ये टाइनी माइस क्यों बोला गया है, क्योंकि विलेजर्स इसको टाइनी माइस की तरह क्यों लग रहे हैं, क्योंकि ये जब ऊंचाई पे चढ़ता था बहुत ऊंचाई पे, तो सारा जो गाँव होता था वैली के नीचे जितने भी लोग थे वो सब इसको बहुत छोटे दिखते थे। समझ में आया इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? ओके, द मैसेंजर कुड नॉट गेट द चीफ ऑफ अराटा टू पार्ट विद द लैपिस लाजुली और सिल्वर एंड ही हैड टू मेक द लॉन्ग जर्नी बैक एंड फोर्थ अगेन एंड अगेन कैरिंग थ्रेड्स एंड प्रॉमिसेस फ्रॉम द किंग ऑफ उरुक। Ultimately, the messenger grew weary of mouth. He got all the messages mixed up.
Then the inworker formed a clay tablet in his hand and he wrote the words down. In those days, there had been no writing down of the words on clay. अब ये जो टैबलेट का जो इनका ट्रेडिशन था वो कैसे शुरू हुआ वो बताया गया है कि मैसेंजर जो है वो अराटा की चीफ के पास में एकदम सीधी सीधी बात जो बोली गई थी वो लेकर के नहीं गया, लैपिस लजुली सिल्वर और वो सारी चीजें जो थी, क्योंकि उसकी जर्नी बहुत ज्यादा थी और वो बार बार आ रहा जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो वो सब मिक्सअप हो गया, जहाँ थ्रेड्स और प्रोमिसेस जो थे राजा के किंग के वो एक दूसरे में मिक्सअप हो गए, यानी कि बातें उसने पूरी तरह मिक्सअप कर दी। अल्टीमेटली मैसेंजर जो था वो ग्रू वेरी ऑफ माउथ, यानी कि उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, उसको समझ में नहीं आया क्या बात क्या बोलनी है, क्या उसका मैसेज था, क्या उसको पहुंचाना था, तो उसके मैसेजेस मिक्सड अप हो गए और एनमर्कर जो है उसने फिर फाइनली जो उनका राजा था उसने फाइनली एक टैबलेट उसको दी जिसपे सारी बात लिखी हुई थी, सारे वर्ड्स प्रॉपरली लिखे हुए थे। उन दिनों में ये चीज जो थी राइटिंग डाउन ऑफ वर्ड्स जो थी क्ले पे वो इतना ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसने वो शुरू कर दिया था जिससे ये जो बात बोलना चाह रहा है वो प्रॉपरली आगे तक जाए और कुछ भी मिक्सअप नहीं हो। समझ में आया इस पैराग्राफ में कोई दिक्कत? ओके Given the written tablet, the ruler of Arata examined the clay. The spoken words were nails. His face was frowning. He kept looking at the tablet. Cuneiform letters were well-shaped, hence like nails. अब ये जो cuneiform letters हैं, जैसे कि हमने देखे थे symbols, ये nails जैसे यानी कीलों जैसे दिखते हैं, ठीक है? तो जब Arata के राजा को ये tablet दी गई, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो वो मिट्टी जो जिस मिट्टी से वो टैबलेट बनी हुई थी वो चेक करने लगा और वो वर्ड्स देख करके जो कीलों जैसे लग रहे हैं वो देख करके उसका मुंह बन गया, ठीक है, और वो टैबलेट को देखता रहा। दिस शुड नॉट बी टेकन एज द लिटरल ट्रुथ बट इट कैन बी इन्फर्ड दैट इन मेसोपोटामियन अंडरस्टैंडिंग इट वॉज किंगशिप दैट ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड राइटिंग। अब ये जो चीज हमने ऊपर पढ़ी है इसको असल ट्रुथ तो नहीं मान सकते, लेकिन हम इस चीज से ये समझ सकते हैं कि मेसोपोटामियन राजा ने जो उस समय की किंगशिप हुआ करती थी उन लोगों ने इस चीज को समझा कि कैसे ये इम्पोर्टेंट है, ट्रेड और राइटिंग कैसे इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करने के लिए। दिस पोम आल्सो टेल्स अस दैट बिसाइड्स बीइंग अ मींस ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन और सेंड ऑफ और एंड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस अफार, राइटिंग वाज सीन एज अ साइन ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ मेसोपोटामियन अर्बन कल्चर। और ये जो पोम है, जो कविता बताई गई है, उसमें ये भी चीज हमें समझनी है कि कैसे ये सिर्फ स्टोर करने के लिए इन्फॉर्मेशन या मैसेज भेजने के लिए ही नहीं था, बल्कि ये एक तरीका था कि कैसे मेसोपोटामियन अर्बन कल्चर जो है वो सबसे ज्यादा सुपीरियर है, कैसे वो सबसे ज्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन है, ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप ये चीज बोल सकते हो, ठीक है। तो ये पोम से हमें यही समझ में आता है इस कविता से। समझ में आए दोनों पैराग्राफ्स में? कुछ दिक्कत आई है तो बोलिए। No, ma'am. Okay, so that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. We'll continue this chapter in tomorrow's class. Till then, please conjure up your problems. We'll solve all of your problems related to this chapter in tomorrow's class. Have a nice day, students. God bless you all. Stay safe, stay healthy.